दोस्तों क्या होगा अगर हम एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी को चढ़ा दें, क्यों लगाना झटका। दोस्तों ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया है क्रेजी एक्स वाई जेड के अमित भाई ने। जी हाँ, अमित भाई ने कुछ नया करने की सोची और सबसे पहले उन्होंने एक टाटा सुमो गाड़ी ली, उसके ऊपर उन्होंने वेगनर गाड़ी को बिठा दिया जिसका वजन 850 किलो से ज्यादा था। अब देखना यह है कि क्या टाटा सुमो वेगनर का वजन झेल पाएगी, जानने के लिए देखते रहें। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अमित भाई ने क्रेन की मदद से वेगनर को टाटा सुमो के ऊपर बिठा दिया। वेगनर के हैंड ब्रेक भी लगा दिए गए और अच्छी तरीके से गाड़ी को बांध भी दिया गया। फिर अमित भाई ने उस गाड़ी को ड्राइव किया। थोड़ी देर चलने के बाद टाटा सुमो के ऊपर की छत की जाली टूट जाती है। बाकी यह एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा रहा। दोस्तों अमित भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। दोस्तों क्या होगा अगर हम एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी को चढ़ा दें, क्यों लगाना झटका। दोस्तों ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया है क्रेजी एक्स वाई जेड के अमित भाई ने। जी हाँ, अमित भाई ने कुछ नया करने की सोची और सबसे पहले उन्होंने एक टाटा सुमो गाड़ी ली, उसके ऊपर उन्होंने वेगनर गाड़ी को बिठा दिया जिसका वजन 850 किलो से ज्यादा था। अब देखना यह है कि क्या टाटा सुमो वेगनर का वजन झेल पाएगी, जानने के लिए देखते रहें। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अमित भाई ने क्रेन की मदद से वेगनर को टाटा सुमो के ऊपर बिठा दिया। वेगनर के हैंड ब्रेक भी लगा दिए गए और अच्छी तरीके से गाड़ी को बांध भी दिया गया। फिर अमित भाई ने उस गाड़ी को ड्राइव किया। थोड़ी देर चलने के बाद टाटा सुमो के ऊपर की छत की जाली टूट जाती है। बाकी यह एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा रहा। दोस्तों अमित भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।